रीवा विद्युत मंडल की लापरवाही आई सामने। 250 रुपए की गई मांग, पीड़ित ने लगाई गुहार। रीवा वार्ड नंबर 21 धोबिया टंकी के पास रहने वाले फूलचंद साहू ने बताया कि हमारे घर की 3 दिन से लाइट कटी हुई है। हम बहुत ही गरीब परिवार के हैं और मैंने विद्युत मंडल में कई बार आकर शिकायत दर्ज करवाई है। यहाँ तक मैंने सभी अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। अब मेरे यहाँ लाइन मैन लाइट बनाने के लिए आया तो मेरे से 250 की मांग की। मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं था, लाइन मैन वापस चले गए। अब मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे बच्चे गर्मी में परेशान हो रहे हैं। मैं विद्युत मंडल पहुँचा हूँ, मेरी सुनवाई की जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फूलचंद साहू है। आज आप विद्युत मंडल आए हैं, क्या परेशानी? मेरी परेशानी ये है कि मैं शनिवार को शाम 2 बजे मेरी लाइट गोल हुई है, जिससे हम 4 बजे यहाँ कंप्लेंट लिखवाए हैं। कंप्लेंट लिखवाने के बाद मैं वहाँ पे यहाँ से लाइट सुधारने वाले का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते रात्रि 10 बजे, 10 बजे रात जब ये लाइन मैन वहाँ पहुँचते हैं तो खम्भे के करीब पहुँचने के बाद बोले 250 रुपये दो तो मैं खम्भे से आपके चढ़ूँगा, और हमने 250 देने से इनकार कर दिया तो मेरी लाइट नहीं बनी। जिसकी शिकायत मैंने 181 ऑनलाइन में किया, हर 4 घंटे में 3 दिन से लगातार कर रहा हूँ, मेरी लाइट नहीं चला। सिर्फ सीधे झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। हम ये चाहते देश की जनता को ये नंबर क्यों दिए गए हैं? अगर दिए गए हैं तो फिर उसका पालन भी होना चाहिए। ये झूठे गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, हमको अगले आदमी ने बताया कि आप 1912 में लगाइए वहाँ उच्च अधिकारी जबलपुर को, तो अगर आप वहाँ लगाएंगे तत्काल आपका निराकरण होगा। वहाँ भी हर 4 घंटे से मैं 3 दिन से लगातार लगा रहा हूँ। इस भीषण गर्मी में हमारे बच्चे परेशान हैं, बीबी का मरीज परेशान है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती इसके जिम्मेदार कौन होगा? और हर महीने जबकि समय से रहते हैं हम बिल देते हैं, आज हर 4 घंटे से 3 दिन से मैं कर रहा हूँ 1912 में, उसके बावजूद मेरी लाइट नहीं सुधारी जाती। मेरी लाइट तो तभी सुधरेगी जब यदि मैं इनको 250 रुपये दे दूँ। और किस बात का 250 रुपये दूँ मैं? कौन आया था 250? जो यहाँ से लाइन मैन गए हैं उसी दिन रात में, हम शाम को 4 बजे यहाँ लाइट का कंप्लेंट किया अपनी, उसी दिन रात में वार्ड क्रमांक 28 में अचानक रात के 12 बजे लाइट की आग लग गई। आग लग गई तत्काल ये लोग वहाँ पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि बीजेपी का जो तो अध्यक्ष है सतीश सोनी के मोहल्ले लाइट गई है, पूरे मोहल्ले की उसकी लाइट गई, तो वहाँ रात के 12 बजे से 2 बजे तक बनाए। अधिकारियों से मिले अभी? अभी मैं अधिकारियों से कैसे मिलूँ? कहीं जब ऊपर से लेकर नीचे तक मैं 3 दिन से दौड़ा लगा रहा हूँ, फ़ोन में लगा रहा हूँ, जब मेरी कोई सुनवाई नहीं होती तो मेरा एक माध्यम बचा है मीडिया, क्योंकि जब भी मैं कोई मुसीबत में होता हूँ, जब मेरा कोई कार्य नहीं होता या और जनता का काम नहीं होता तो मैं मीडिया का माध्यम बनाता हूँ और उससे मुझे न्याय मिलने की संभावना बनी जाती है।